नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे दरौंधा की। दरौंधा में उपचुनाव की आहट हो गई है, क्योंकि दरौंधा की निवर्तमान विधायक कविता सिंह अब सिवान से लोकसभा की सदस्य चुनी जा चुकी हैं। पिछली बार इस क्षेत्र में दो बाहुबलियों की भिड़ंत हुई थी, इस बार क्या होगा, इस पर आज हम अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी बिसात बिछ चुकी है। बिहार के 5 विधायक अब लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि अब इन सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। इन 5 सीटों में से एक है सिवान का दरौंधा विधानसभा क्षेत्र। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह सीट दो बाहुबलियों के संघर्ष की वजह से सुर्खियों में था। सुशासन बाबू के नाम से चर्चित बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस सीट से जदयू का उम्मीदवार बनाया था जाने माने बाहुबली अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को। कविता सिंह को 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था, जबकि राष्ट्रवाद और देशभक्ति का झंडा लेकर घूमने वाली भाजपा ने भी एक दूसरे बाहुबली जितेंद्र स्वामी को ही कमल छाप का सिंबल थमा दिया था। आपको पता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जबरदस्त लहर थी और कविता सिंह के पति अजय सिंह की अपने क्षेत्र में लोकप्रियता भी जबरदस्त थी। इस चुनाव में कविता सिंह को 66,255 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र स्वामी महज 53,033 वोट ही हासिल कर सके। जितेंद्र स्वामी के बारे में आपको हम बता दें कि ये महाराजगंज के दिवंगत राजद सांसद उमा शंकर सिंह के पुत्र भी हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू की ओर से कविता सिंह की सास यानी अजय सिंह की माँ जगमातो देवी विधायक निर्वाचित हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान ही जगमातो देवी की मृत्यु हो गई और तब इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। जगमातो देवी के पुत्र अजय सिंह की बाहुबली छवि देखते हुए नीतीश कुमार ने अजय सिंह की नवविवाहिता पत्नी कविता सिंह को टिकट दिया था और कविता इस उपचुनाव को जीतने में कामयाब भी रही थी। 2015 में भी नीतीश कुमार ने कविता सिंह पर ही भरोसा किया और कविता सिंह ने नीतीश के भरोसे को कायम रखा और भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र स्वामी को बड़े अंतर से पराजित कर दिया। ऐसी चर्चा चल रही है कि इस बार दरौंधा विधानसभा सीट से जेडीयू अपना दावा वापस ले सकती है और इसे भाजपा की झोली में डाल सकती है और भाजपा के टिकट पर एक बार फिर से जितेंद्र स्वामी ही उम्मीदवार हो सकते हैं। बात करें राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ वाली जो यूपीए गठबंधन है उसकी, तो यहां से कौन मैदान में होगा अभी तक इसकी चर्चा न तो क्षेत्र में हो रही है और न ही पार्टी में। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही यूपीए अपने पत्ते खोल सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें।